नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद है, आप लोगों ने राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच चल रहा था वो देख लिया होगा। अगर इस मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने जो है ये मैच 2 विकेट से जीत लिया। इस मैच के हीरो रहे आपके जॉस द बॉस जॉस बटलर ने जो है 107 रन की बहुत बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने जो है लास्ट ओवर में जाके वरुण चक्रवर्ती के ओवर में जो 9 रन की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने जो है ये मैच बड़े ही आसानी से अपनी टीम को जिता दिया और पॉइंट्स टेबल पे जो है वो इस मैच को जीतने के साथ पहले नंबर पे काबिज है। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के कोलकाता नाइट राइडर्स को बोला आप बैटिंग कीजिए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैटिंग किया और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करी। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने जो 20 ओवर में 223 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। अगर उनकी तरफ से आप बोले तो सुनील नारायण जो है मतलब टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने जो है अपने T20 करियर में मेडन T20 100 मारा। उनकी जो पारी थी 109 रन की पारी खेली उन्होंने 56 बॉलों पर, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 6 छक्के लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 195 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा और उन्होंने जो बहुत बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद आपके टॉप स्कोरर रहे अंगक्रिश रघुवंशी, जिन्होंने मतलब 30 रन्स बनाए 18 बॉल पे, जिसमें जो है उन्होंने 5 चौके मारे। फिर उसके बाद तो चाहे आप रिंकू सिंह की बात करें, वेंकटेश अय्यर की बात करें, चाहे आंद्रे रसल की बात करें, तो कल इनका मतलब बैट इतना बेहतरीन नहीं चला, बट ठीक ठाक इन्होंने भी छोटी मोटी पारी खेली जिसकी बदलो जो है 223 रन बन गए। एक समय लग रहा था ये स्कोर जो है आपका 240 के आसपास जाएगा, बट जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स हैं उनके जो बॉल सॉरी कोलकाता नाइट राइडर्स के राजस्थान रॉयल्स के जो बॉलर हैं उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग कराई और उन्होंने जो है इस टोटल को जो है 240 के आसपास का नहीं होने दिया और उनको उन्होंने जो है इस टीम को 223 रन के अंदर रोक दिया। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की मतलब पार्टनरशिप की बात करें तो पहला विकेट जो है एक विकेट फिल सॉल्ट जो है वो पहला विकेट के रूप में गिरा जब उनका मतलब 3.3 ओवर्स में 21 रन थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने जो है 13 बॉल पर 10 रन की पारी खेली और फिल सॉल्ट आपको हर मैच जिता के नहीं देंगे तो आपको अलग अलग प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा विकेट आपका अंगक्रिश रघुवंशी के रूप में गिरा जो कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 10.4 ओवर्स में आपका जो है दो विकेट पे 106 रन। अंगक्रिश रघुवंशी ने आउट होने से पहले 30 रन की पारी खेली, इम्पैक्टफुल पारी थी, बेहतरीन पारी थी। फिर आपके जो है श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर भी कुछ ऐसा खास कर नहीं पाए, ना ही आपके आंद्रे रसल कुछ खास कर पाए, रिंकू सिंह भी नहीं कर पाए, वेंकटेश भी अय्यर भी नहीं कर पाए, बट जो है ये पारी मतलब 208 पार से ज़्यादा ही था क्योंकि 223 रन तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बना देते हैं, तो इसके लिए जो है प्योर हिटिंग लगती है और आपके जो है सुनील नारायण ने वो करके दिखाया और सुनील नारायण ने बेहतरीन 109 रन की पारी खेली। अगर उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो उसमें जो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 31 रन दे के 1 विकेट लिया, आवेश खान ने 4 ओवर में 35 रन दे के 2 विकेट लिए, कुलदीप सेन ने भी जो है आपके 4 ओवर में 46 रन देके 2 विकेट लिए, उसके बाद यजुवेंद्र चहल ने 4 ओवर में आपके 54 रन देके 1 विकेट लिया और आपके रविचंद्र अश्विन जो है कल बहुत मतलब महंगे साबित हुए, उन्होंने जो है 4 ओवर में 49 रन बनाए जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। और अगर हम बात करें मतलब राजस्थान रॉयल्स की चेज की तो राजस्थान रॉयल्स जो उतरी थी तो चेज उनका ऑन था क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने आउट होने से पहले 19 रन बनाए 9 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का मारा। अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल का फॉर्म इतना बेहतरीन नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ठीक ठाक पारी खेलती थी, इम्पैक्टफुल पारी थी और उन्होंने स्टार्ट दे दिया था जिसकी ज़रूरत थी। फिर उसके बाद आपके जो है मतलब जॉस बटलर और संजू सैमसन के बीच में एक ठीक ठाक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। पार्टनरशिप क्या हुई मतलब 25 रन की पार्टनरशिप हुई। संजू सैमसन ने आउट होने से पहले जो है आपके 12 रन बनाए 8 बॉलों पे। उसके बाद जो है रियान पराग आए, रियान पराग और आपके जो जॉस बटलर के बीच में बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। रियान पराग ने दिखाया कि मतलब कैसे फ्री हैंड से खेला जाता है। उन्होंने 34 रन बनाए जिसमें मात्र 14 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के मारे। अगर रियान पराग की बात करें तो रियान पराग जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 3 विकेट पर 97 रन था और ये अभी 8 ओवर्स के करीब हुए थे। 7.5 ओवर्स में मतलब रियान पराग ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद ध्रुव जुरेल आए, ध्रुव जुरेल कुछ ऐसा कर नहीं पाए, रविचंद्रन अश्विन भी आए वो भी कुछ नहीं कर पाए और अगर शेमरन हेटमायर आए और शेमरन हेटमायर गए मतलब 1 ओवर में ही जो है उन्होंने 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट दिला दिया और यहीं से मतलब टर्न अराउंड रहा। मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स को लगने लगा कि ये मैच हमारे मुट्ठी में क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने भी 8 बॉलों पर 11 रन खेला और शेमरन हेटमायर जो है मतलब पहली बॉल पर ही जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथ कैच दे बैठे और आउट हो गए। फिर उसके बाद रोमन पावल और जो है आपके मतलब
रोमन पावल और जॉस बटलर के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, जिसमें जो छोटी सी तो नहीं बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, 50 रन प्लस की पार्टनरशिप हुई। रोमन पावल ने मतलब उनके अंदर विश्वास डाल दिया कि ये मैच जो है राजस्थान रॉयल जीत सकती है। और आपके जॉस बटलर का आपको पता है जॉस बटलर कितने खतरनाक खिलाड़ी है, और वो अगर फुल फॉर्म में है तो वो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं। तो रोमन पावल ने आउट होने से पहले जो है आपके 26 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 13 बॉलों पर 26 रन बनाए, उसमें एक चौका और 3 छक्के मारे। और फिर उसके बाद जो है ये पारी जो है आपके जॉस बटलर ने संभाल ली। और अगर बात करें 3 ओवर में शायद उनको 54 रन के आसपास का चाहिए था, तो उन्होंने तीसरे ओवर में 18 रन मारे, दूसरे ओवर में उन्होंने 19 रन मारे, और लास्ट ओवर में जो है 9 रन की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने दूसरी बॉल पर ही छक्का मार के जो है 4 बॉल पर 3 रन कर दिया। फिर उसके बाद तो 2 बॉल डॉट हुई और उन्होंने मतलब आसानी से जो है ये मैच जो है आपके मतलब राजस्थान रॉयल्स को जिता दिया। और राजस्थान रॉयल्स इसी जीत के साथ जो है टेबल टॉपर हो चुकी है, उन्होंने 7 में से 6 मैच जीत के वो इस टाइम टेबल के टॉप पर काबिज है। और अगर हम जॉस बटलर की बात करें तो जॉस बटलर जैसा वो खेलते हैं, मतलब जॉस द बॉस जैसे बोला जाता है, जॉस बटलर इज द बॉस, तो जॉस बटलर ने 107 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 60 बॉल पर मतलब ये रन बनाए और उसमें उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के मारे। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 178.33 का रहा। और यही जो मिला जुला के आप बात करें, चाहे जॉस बटलर की बात करें, चाहे रोमन पावल की बात करें और रियान पराग, ये 3 प्लेयर रहे जो मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स को ये हरा पाए। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क कल बहुत महंगे साबित हुए, लाइन लेंथ पे बॉल वगैरह नहीं डाल पा रहे थे। उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। वैभव अरोड़ा ने 3 ओवर में 45 रन दिए, जिसमें उन्होंने 1 विकेट जरूर लिया। हर्षित राणा ने भी जो है 4 ओवर में 45 रन दिए, 2 विकेट लिए। सुनील नारायण की बात करें तो उन्होंने थोड़ी कसी हुई बॉलिंग करी, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने भी 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लिए। आंद्रे रसल महंगे साबित हुए, पहला ओवर डाला उसमें उन्होंने 17 रन खाए। और अगर हम मतलब मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोचा नहीं होगा कि ये मैच जो है उनको हारना पड़ जाएगा 223 रन बनाने के बाद भी। और अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वो आपके रहे जॉस बटलर, जो मतलब उन्होंने बेहतरीन पारी खेली 107 रन की, जिसमें जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और अगर टेबल की बात करें तो पहले नंबर पे आपकी राजस्थान रॉयल्स इस मैच से पहले भी काबिज थी और इस बार भी काबिज है, क्योंकि अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 7 में से 6 मैच जीत के वो पहले नंबर पे, केकेआर की टीम जो है 7 में से 4 मैच जीत के 2 मैच हार के, कल एक मैच वो हार गई और एक चेन्नई से हारी थी और कल एक वो मैच हारी, तो उसमें 2 हार के वो भी दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आपके सीएसके की टीम है, जो कि आपके 6 में से 4 मैच जीत के 2 मैच हार के आपके जो है तीसरे नंबर पे काबिज है। तो अगर इस कल के मैच की बात करें तो कल का मैच रहा आपके जॉस बटलर के नाम। सुनील नारायण ने मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, उन्होंने 109 रन के करीब बनाए और 2 विकेट भी लिए। तो सुनील नारायण ने जो है मतलब बेहतरीन खेल दिखाया, बट उनके जो आसपास के प्लेयर्स थे, चाहे आप आंद्रे रसल की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, मतलब उनके जो रिंकू सिंह की बात करें, या फिर जो मतलब जो भी उनके बैट्समैन ने उनके साथ साथ, तो वो इतना बेहतरीन कर नहीं पाए, जिसकी वजह से जो है ये स्कोर कम से कम 15 रन कम रहा। और जो है ये मैच जो है आपके राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट ओवर में जाके बड़े ही आसानी से जीत लिया, और जॉस बटलर इज़ द रियल बॉस ऑफ द मैच। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों वगैरह में फैलाइए। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।